कैसे हैं भाई सब लोग? कुल साथ वालेकुम अस्सलाम। 9 बंदे हो गए। चलो, कहाँ हैं और लोग? हेयर इज अल महज नाउ। वो अल महज होगी, ठीक है। आज का आपका चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। 2-3 मिनट आप लोगों से बात रहेंगी ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं जब तक। ये 17। ओके, 17 स्टूडेंट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है हमें, जल्दी आइए भाई। बीस, 21। ओके, 1 मिनट और, बस देखते हैं और कौन कौन आने वाला है। अरे वाह, 19 लोग हैं और लाइक 21। गुड, वालेकुम अस्सलाम जिशान एंड महराज पाशा, यानी कि समी है हमारे पास सादिक। आज मेरा बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन देखते हैं तुम लोगों की परफॉर्मेंस आज क्या रहेगी, क्योंकि कमेंट्स पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत वो मिलता रहता है। मतलब सही लगता है कि तुम लोग हो रेगुलर लाइफ, तो देखते हैं कितना ज़्यादा आज पढ़ा सकते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करें क्या? अनंता टाइकोंडो बिचारी अभी आई है और अभी यहां से जाने वाली है कमेंट मारते ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले ये बताइए, बल्ब किसने इन्वेंट किया था? फौजिया इज हियर। सो देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले देखो, जितनी ज्यादा इसकी नॉलेज होनी चाहिए नॉर्मली वो सबों को है, लेकिन जो वर्किंग होती है सर्किट्स वगैरह में उसके बारे में हमें पता नहीं है नॉर्मली, है ना? तो आप मुझे पता, देखो लिखा हुआ दिख रहा है तो थॉमस एल्वा एडिसन इन 1879, तो सबों ने बता दिया थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था। चलो, तो आधा मैंने छुपा रखा है, हु एक्सप्लोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, किसके थ्रू एक्सप्लोर हुई थी इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। अब बताओ, ये नहीं दिख रहा। मानने चले गए गूगल सर्च, बोले गूगल सर्च करो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इनके थ्रू एक्सप्लोड हुई थी इलेक्ट्रिसिटी। छोटे बच्चों से मतलब काफ़ी सारा सीखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चों की किताबों में इजीली हमें मिल जाती है नॉलेज के बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू एक्सप्लोड हुई थी इलेक्ट्रिसिटी, और थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 में इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की थी। ठीक है, अब सवाल आता है, कैन वी कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी? क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं?
देखो नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल्ड है, किस तरीके से आप लोग बैटरीज के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हो। आपके फ़ोन में बैटरी है तो उसमें बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है, ठीक है, तो ये एक तरीके से कंट्रोल ही हुई भी है। तो इसका आंसर यस, यस वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस ये चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये चैप्टर एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। देखो अगर इसे दो इसके डिस्ट्रीब्यूशन करे जाए तो 50% तो इसमें थ्योरी है और 50% ही इसमें न्यूमेरिकल्स है। जितना पॉसिबल हो सकेगा न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे और थ्योरी तो एक्सप्लेन करते हैं ही, ठीक है। सो फिजिक्स है तो हम लोग मानते हैं फिजिक्स इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स तो मैथ का भी बाप है। जब बड़े क्लास में जाओगे, छोटे क्लास में तो ये 9th 10th में तो कुछ नहीं है फिजिक्स, लेकिन 11th क्लास में चले जाते हो तो जितनी मोटी आप लोगों की बुक मैथ्स की होती है उससे ज़्यादा मोटी फिजिक्स की होती है। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट में आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है फिजिक्स, और कंसेप्चुअल होता है भाई। मैथमेटिक्स में क्या है, आदमी प्रैक्टिस कर ले और नंबर उसमें इजिली ला सकता है, लेकिन फिजिक्स में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा आदमी, ठीक है। सो अब देखते हैं इसमें हमें टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं। तो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के बारे में छोटे छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है 6th 7th क्लास में, ये है वो कुछ टॉपिक्स आपके सामने। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की कोई डेफिनेशन लिख सकता है? चलो कमेंट में लिख दो, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। या चलो करंट की, इलेक्ट्रिक करंट छोड़ो, खाली करंट की डेफिनेशन बता दो मुझे क्या होती है। फिर दूसरा टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर तीसरा ओम्स लॉ। फिर नेक्स्ट होगा हमारा रेजिस्टेंस। फिर इससे अगला टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे, और फिर कुछ हम लोगों के पास इनमें सबसे मेनली है कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फ्लो ऑफ चार्ज, अब्दुल वारिस बिल्कुल सही बताया क्योंकि थोड़ा बहुत ये हमारे रईसन ने पढ़ा चुके हैं, ठीक है। रईसन ने बहुत पहले ही ट्यूशन में स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया था तो बहुत से बच्चों को ये इजीली पता होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज ये आप लोगों का करंट होता है, ठीक है। चार्जेस का फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट, इस तरीके से आप लोग डेफिनेशन बता सकते हैं। अरे इधर ने बताया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यही करंट होता है, ठीक है भाई। फिजिक्स का टीचर तो फिजिक्स का टीचर होता, तो फिजिक्स के टीचर हमारे पास हमारे साथ इस वक्त हैं, तो चलिए फिर भी बात करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि कोई भी चीज़ गलत ना निकले। तो नवाब भाई, एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, पता नहीं किसने बताया, नवाब भाई कौन है। तो चलिए बात करते हैं क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड यहाँ पर सबको दिख रही है, 280,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अगर इसे हम और सॉल्व करें तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1,000, ठीक है। सो 280,000, फिर 3 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है, तो ये आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ गई। आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हो, तो पीछे से नंबर लाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो हम इसे इजीली कर सकते हैं, 2.8 × 10^8, कितने जीरो आगे बढ़े भाई हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो 2.8 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये न्यूमेरिकली है आप लोगों की वैल्यूज, ठीक है। जो फिजिक्स में लगती हैं वैल्यूज वो डायरेक्टली ये नहीं लगती है, 280,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये नहीं लगते आप लोगों को, ये खाली समझाने वाली बात है। लेकिन मैथमेटिक्स से न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में आप लोग ये वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर के हिसाब से ली जाती है। मीटर ही आप लोग की स्टैंडर्ड यूनिट है, वो लोग किलोमीटर को नहीं जानते, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, वो लोग इसे नहीं जानते। हमें खाली मीटर पता है तो वो हर चीज का कैलकुलेशन मीटर्स में ही करते हैं और टाइम की यूनिट सेकंड में करते हैं। भले से आप लोग इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पर मीटर पर सेकंड यही सही है तरीका इसका। चलिए इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट्स क्या क्या है हमारे पास।
अब यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को मिली, तो यहाँ पर डेफिनेशन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। चार्ज को आप मान सकते हो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। अभी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं करी है, किसकी बात करी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी है। तो चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। देखो एक मैटर के पास पॉजिटिव भी चार्जेस होते हैं और नेगेटिव भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी मैटर होता है तो उसके अंदर एटम होता है, और एटम के अंदर तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं, तीन पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सब लोगों को पता है ये एटम के अंदर होता है। तो चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं कौन कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स। भाई पी से ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी करते हैं। ये बात को समझते समझते शायद मुझे 10 साल लग गए, 10 साल नहीं मानते, चलो आधे कर लेते हैं, 5 भी मत मानो, 2.5 साल मान लो। अब यार 2.5 भी मत मानो, 2-3 दिन मान लो, चलो इतना टाइम तो मुझे लग गया था कि इन चीज़ को समझने में, ठीक है। यहाँ अगर सिंपल सी बात बताऊँ तो 9th से लेकर 12th तक मुझे ये कन्फ्यूज़न रहा था कि पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है और नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है। जब मैंने खुद इसे खुद डीपली पढ़ना शुरू करा तो मुझे याद हो गया, ठीक है, क्योंकि हम टीचर हैं तो तुम लोग सारे जुड़े हुए हो इस वक्त मेरे साथ, तो इसलिए रटा दिया है सबों को, चाहे मार से चाहे डांट से चाहे कुछ भी करके कैसे भी आप सब लोगों को रटा दिया कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो इतना ज़्यादा डीपली किसके लिए बताया जाता है, देखो जो तेज़ स्टूडेंट्स हों वो तो सब क्लियर हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल हमारे पास स्टूडेंट हैं जो किस में आते हैं, बैक बेंचर्स में आते हैं, बैक बेंचर्स में, तो उन लोगों को रटाने के लिए एक बात को 10-10 बार बोलना पड़ता है। वालेकुम अस्सलाम ज़िया अंसारी, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी करते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। तो चार्ज के बारे में क्या बताया गया, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इतना भी टाइम आप लोगों को क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप लोग उससे धीरे धीरे लिखते रहो, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी करते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, तो इससे ऊपर एक बात हमें पढ़ने को मिली, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो यहां से हमें एक बात और जाननी है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं आपके। अब मैं आप लोगों के सामने ये पेन रखूं, ये पेन आपका कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, पहले मुझे पेन के बारे में बताओ। जल्दी बताइए पेन के बारे में, पेन कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर, कुछ कह रहे हैं इंसुलेटर और कुछ कह रहे हैं कंडक्टर। तो आप लोगों को कंफ्यूजन यहां पे मिटाना है कि कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या फर्क है। देखो कंडक्टर आप लोगों के पास वो होते हैं जो अगर बंदा चलाक होता तो वो यहां से डेफिनेशन को पढ़ लेता और फौरन समझ लेता कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टर होता है सब्सटेंस विच अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू देमसेल्फ, लाइक कॉपर आयरन गोल्ड एक्सेट्रा। आप इसे नॉर्मली मान सकते हो, कोई भी मेटल आपका कंडक्टर होता है, मतलब किसी भी मेटल के अंदर चार्ज फ्लो हो जाता है, ठीक है। जब भी तो उसके अंदर करंट आता है, चार्ज फ्लो हो जाता है, और उसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज ही फ्लो होता है। देखो फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। सो कंडक्टर अलाउ करता है कि चार्ज को पास कर लेता है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास चार्ज तो फ्लो होगा नहीं, पेन है हमारे पास तो पेन में चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो पेन क्या होगा हमारे पास, कंडक्टर की इंसुलेटर। पेन जी इंसुलेटर होगा क्योंकि पेन में करंट नहीं आएगा। सो जैसे कि यहां पर एग्जांपल लाइक कॉपर आयरन गोल्ड, और अगर सिंपल वे में हमने मान लिया तो सिंपल वे क्या है हमारे पास कि कोई भी मेटल, ठीक है, मेटल आपका क्या है, कंडक्टर। इसलिए तो जितने भी वायर्स होते हैं आप लोगों के कॉपर वगैरह के बने हुए होते हैं, ठीक है। आगे बात है हमारे पास व्हाट आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू देम। इसमें क्या होगा, ये चार्ज को अलाउ नहीं करेंगे भाई पास करने के लिए। जैसे कि प्लास्टिक आता है आपका, वुड आता है, ठीक है, गैसेस आते हैं, एक्सेट्रा आते हैं। तो ये अफरीन खान की आईडी से कौन है, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू देमसेल्फ,
ठीक है, तो ये क्या है, प्लास्टिक, वुड, गैसेस एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब के बाद, इतना पढ़ने के बाद, यानी कि नॉर्मल हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी हर चीज के बारे में। अब आती है मेन बात, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इतना बताने के बाद व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि 15 मिनट बोलने के बाद अब समझ में आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। यानी कि जो आपने बताया वो बात सही है कि फ्लो ऑफ चार्जेस है, लेकिन ऑर्डर्ड मोशन होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्जेस का, वो ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब आप इसे नॉर्मली कैसे समझ लेते हो, देखो अगर पानी बह रहा है, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सा करंट है, वाटर करंट है, ठीक है। अगर एयर, एयर मतलब हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो उसके अंदर कौन सा, आप लोगों के पास एयर मतलब हवा बह रही है, तो उसके अंदर कौन सा करंट है, एयर करंट है। इसी तरीके से जिस भी मतलब मेटल के अंदर करंट फ्लो करता हो तो उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, ठीक है। सो यहां पर करंट की एक सिंपल आप लोगों के पास फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट का क्या फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम। देखिए चार्ज पर यूनिट टाइम, देखिए अगर हमें एक चार्ज चाहिए होगा तो टाइम भी यहां पर कितना होगा, 1 सेकंड का चाहिए होगा, ठीक है। सो यहां पर इसके सिंबल्स हैं, देखिए सिंबल्स क्या है, इसकी एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है, इनकी एसआई यूनिट्स भी हम लोग निकालेंगे। ये सिंबल अगर मैंने एक कैपिटल आई बनाया तो आप लोग भी कैपिटल आई ही, आई से ही डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है यहाँ पर, आई करंट के लिए सिंबल लिया गया है, ठीक है, चार्ज के लिए सिंबल कैपिटल क्यू लिया गया है, और टाइम के लिए सिंबल स्मॉल टी लिया गया है, ठीक है। यही सिंबल्स आप लोग यूज करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी कभी फिजिक्स में यूज नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। सो आगे है, करंट का सिंबल आई है, करंट का सिंबल आई है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, यानी कि एसआई यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, मतलब पूरी दुनिया में करंट को किस यूनिट से जाना जाएगा। जैसे कि हमारे आसपास में अगर कपड़ा लेने जाओ तो उससे कहते हैं, बोले भैया एक हाथ कपड़ा दे दे, या क्या लैंग्वेज होती है वो, जिससे कहते हैं एक गज कपड़ा दे दे, या जमीन को नापने जाए तो जमीन के लिए एक गज लिया जाता है। इस तरीके से वो अलग अलग सिस्टम बने हुए, बोले एक कदम दो कदम एक फुट एक गज, इस तरीके से हमने बना रखा है। लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो हर जगह सेम होंगी, पूरे वर्ल्ड में सेम होंगी। अगर सेम ना हो तो चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, इंडिया के कुछ यहाँ पर जवान साइंटिस्ट हैं, वो जवान साइंटिस्ट कह रहे हैं कि साहब बोले दो गज पर सेकंड की रफ्तार से हमारा प्लेन जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आते आते ये इधर आया, तो अमेरिका आके कह रहा है, बोले साहब 2 फुट पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, फर्क पड़ गया, नहीं फर्क पड़ गया, ठीक है। अब ये आगे पहुंचा, तो आगे पहुंचने के बाद वो क्या कहता है, बोले साहब 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्लेन जा रहा है, तो यहां से और फर्क पड़ गया, पता चला यहां से यूं करके क्रैश हो गया प्लेन। तो बोले नहीं, ऐसी यूनिट्स हो जो पूरे वर्ल्ड में सेम चले, जो यहां भी इंडिया में, लंदन में, यूएसए में, हर जगह सेम चले, तो वो इंटरनेशनल हो, तो उस यूनिट को एसआई यूनिट्स बोला गया, यानी कि सिस्टम डी इंटरनेशनल, एसआई मतलब सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट्स। सो यहां पर करंट की ऐसा यूनिट है हमारे पास एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट है वो एक्चुअल में मीटर है, ठीक है, मीटर में आप लोग डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा, तो यहाँ पर करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है, और चार्ज की ऐसा यूनिट कोलम्ब है, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है। भले से कुछ लोगों के सामने नया नाम हुआ हो, लेकिन 9th में जिन्होंने पिटाई खा रखी है हमारे हाथों, उन्हें सबको पता है कि कोलम्ब क्या है, ठीक है, कोलम चार्ज की यूनिट है, ठीक है। सो इस फॉर्मूले को याद रखना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
एक नॉर्मल से डायग्राम को इसको देखिए, इसे समझिए क्या डायग्राम है, ठीक है। ये एमिटर है, अभी मैंने एक चीज बताई थी एम्पियर, एमिटर और एम्पियर में कुछ रिलेशन दिख रहा है, मतलब एम्पियर को मीजर करने वाला यानी कि करंट को ही मीजर करने वाला एमिटर होता है, ठीक है। ये तो स्विच तो सबको पता है बेचारा स्विच क्या है, और बैटरी भी सबको पता है और बल्ब भी सबको पता होता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना रखें। ये क्या करता है, करंट को मीजरमेंट करता है, करंट की मीजरमेंट करता है। सो अब यहां पर कुछ नोट करने वाली बात है, वो क्या नोट करें आप लोग, अ क्लोज एंड द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जब भी एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वही इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। देखिए यहां पर सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है, अगर मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूं, चलिए मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने बल्ब लगाया, ठीक है, यहां पर मैंने स्विच लगा दिया, ठीक है। सो ये मेरा एक क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट है कि ओपन सर्किट है, ये मेरे पास एक क्लोज सर्किट है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसे थोड़ा सा ओपन रखूं, ठीक है, ओपन रखा मैंने, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ओपन सर्किट, और ये कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। सो ये क्लोज है, ये ओपन है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी कि इसमें होगी, बताइए किसके अंदर, क्लोज के अंदर, बिल्कुल सही अब्दुल्ला कमाल, क्लोज सर्किट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि आप लोग वायर देखते हो, वायर हमेशा क्लोज होते हैं आप लोगों के, मतलब वैसे उस पर कवर होता है, वाले क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज सर्किट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, खुले हुए के अंदर नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी पास, ठीक है। सो यहां पर सिस्टम उल्टा है, क्लोज में इलेक्ट्रिसिटी यहां पर पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास्ड, ठीक है, और इसमें पास नहीं होगी। सो अब चलिए बात करते हैं आगे, तो एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ को इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, क्लोज्ड को और कंटिन्यूअस पार्ट को, एक तो क्लोज्ड भी हो और कंटिन्यूअस भी हो, वो इलेक्ट्रिक करंट का हो, यानी कि वो पाथ इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता हो, इस कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वही चीज आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाया जाता है, ठीक है। फिर आगे है स्विच, स्विच क्या है साहब, स्विच इज अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द बैटरी एंड द मशीन। देखिए जो भी मशीन है, यहाँ पर बल्ब को एक मशीन का नाम दिया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी मशीन हो सकती है इसके थ्रू, इसके अलावा कोई भी मशीन हो सकती है, तो स्विच क्या होता है, एक बैटरी के और एक बल्ब के बीच का कंडक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि स्विच के अंदर ये पावर होती है कि वो करंट को क्लोज कर देता है लेकिन करंट को ओपन कर देता है। इस बात को ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, करंट क्लोज कर देता है और करंट को ओपन कर देता है। मैं आगे चल के इसके बारे में अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, करंट ओपन और क्लोज के बारे में क्या बातचीत रहेगी। सो यहाँ पे स्विच क्या बताया आपको, स्विच इज अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द बैटरी एंड द मशीन, ठीक है। फिर एमीटर, एमीटर क्या है, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, वही अभी हमने बात बता दी, एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कैलकुलेट क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करता है, ठीक है। सो इस डेफिनेशन का किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, वैसे तो मैं इसे ग्रुप पर डाल ही दूंगा एडवांस स्टडी का। ओफो सलवी आए हैं हमारे पास, हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट ये वाला नहीं है जो आप इसे वाला इस टाइप से जो इंस्ट्रूमेंट होता जिससे पुंगी बजाते हो, चलो खत्म करो, अब बात करते हैं, चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू सर्किट, देखिए न्यूमेरिकल को देख के मैंने अभी तक, मेरे भी जितने दोस्त थे, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, तो न्यूमेरिकल देख के बोले फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, बोले छोड़ जाओ, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है, बोले छोड़ जाओ, बायो में तो न्यूमेरिकल होते ही नहीं है इतने खास। सो हमेशा न्यूमेरिकल को छोड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता क्या चीज चार्ज है, क्या चीज हमारे पास
टाइम है, टाइम को तो थोड़ा बहुत पता लगा लेते हैं, बोले साहब टाइम 10 मिनट दे रखा है, करंट को नहीं पता लगा पाते करंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में लिखी है बात, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर ठीक है इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, 10 मिनट भाई 0.5 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा 10 मिनट तक के लिए ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू सर्किट, हमें क्या निकालना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट कितना है 0.5 एम्पीयर, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स का ठीक है। सो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट है एसआई यूनिट कितनी है सेकंड में लाते हैं, तो 10 × 60 600 सेकंड्स आ गए। तो हम लोग जानते हैं कि करंट का जो फॉर्मूला है अभी हमने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई कैपिटल क्यू कैपिटल टी स्मॉल, टी को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया, आई इंटू टी इज इक्वल टू क्या बच गया क्यू ठीक है। सो कितना था करंट हमारे पास 0.5 एम्पीयर का करंट था, टाइम कितना था 600 सेकंड्स का था, और क्यू हमारे पास चार्ज है तो इसकी मल्टीप्लाई करी 300 कूलम्स, ये हमारे पास चार्ज आ गया। तो आई होप इसमें किसी को दिक्कत ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है तो कैसे समझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, चलो इन इससे समझ लेते हैं भाई, वैसे तो ये बोतल है मतलब रोजा है, देख के घबराना मत, और ये सैनिटाइजर है पता नहीं नकली है या असली है मुझे नहीं पता। सो अगर मैं इसमें वाटर करूं, इसमें भी वाटर करूं ठीक है, सो जब इसमें कम वाटर है इसमें ज़्यादा है, चलो इसमें कम है ठीक है, जब और मैं इसे एक पाइप से कनेक्ट कर दूं यहाँ से ठीक है, बाद में यानी कि वाटर करने के बाद मैं इसे एक पाइप से कनेक्ट कर दूं, तो जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं होगा वाटर फ्लो होता रहेगा इसके अंदर से, वाटर फ्लो होता रहेगा, वाटर फ्लो होता रहेगा आपस में, चाहे इसमें से इसमें आए चाहे इसमें से इसमें आए, जिसमें ज्यादा होगा उसमें बराबर जब तक नहीं होगा ठीक है, जब तक ही हमारे पास क्या रहेगा वाटर फ्लो होता रहेगा। इसी तरीके से अगर और दोबारा एग्जाम्पल लें, इसमें हॉट वाटर हो ठीक है और इसमें कोल्ड वाटर हो, कैसा वाटर हो इसमें हॉट और इसमें कैसा हो कोल्ड वाटर हो, तो जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा जब तक टेम्परेचर इसका फ्लो होता रहेगा आपस में ठीक है। सो यहां से बात चीज हमारे समझ में नहीं आती, क्या हम लोग यहाँ पर समझाना चाहते हैं वो एकदम से समझ में नहीं आती। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझाना चाहते हैं यहाँ पर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द एबिलिटी ऑफ करंट टू चार्ज अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जो एबिलिटी करंट की जो चार्ज कर देती है एक बॉडी को वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखो इमेजिनेशन करो भाई, करंट है, करंट क्या करेगा किसी भी बॉडी को चार्ज जरूर कर देगा ठीक है, भले से आप उसे बंद कर दो। अब कैसे बंद कर दो, घर में आप लोगों ने एग्जांपल देखे होंगे नॉर्मली तरीके से, पुराने जमाने में क्या करते थे जब मोटर चलाया करते थे तो हत्ती के नल से एक तार बांध दिया करते थे ठीक है, बोले अर्थ आ जाएगा अर्थ, इस तरीके से कहीं होता है या शायद मैं ही गरीब हूं खाली, ओ आई मीन था कहीं देखा है साहब ऐसा हुआ हुआ, किसी की कमेंट नहीं आ रही। अब एक तो मेरी आवाज पहले निकल जाती है, कमेंट्स बाद में आती हैं। तो उसमें हाँ चलो कुछ बच्चों ने देखा है साइमिन ने नहीं देखा, बोले ऐसा नहीं होता तो चलो और इसके लिए एग्जाम्पल ले जाते हैं, चलो और लेते हैं एग्जाम्पल। कभी कभी ये देखा है इलेक्ट्रिशियन वर्क करते हैं घर में, तो वो क्या करते हैं उनके पास एक बड़ा बड़ा सा वो होता है कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर देखा जो आपके पंखों में लगता है कैपेसिटर, इतना बड़ा सा कैपेसिटर होता है मतलब सेल की तरह ठीक है। उसमें क्या करते हैं जब आप उसे थोड़ा सा बोर्ड में लगा देते हैं उसके तार को निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसे यूं करके टच करते हैं तो वो एकदम से क्या करता थोड़ा सा चटकारे मारता है एक टाइप के, मतलब चिंगारियां सी बनती हैं। तो
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और समझाते, चलो इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी चीज में करंट लगाओ, ठीक है, करंट लगाओ, करंट हटा दो बाद में, इंसान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बेचारा एक इंसान है, ठीक है, मतलब वैसे तो कार्टून है, इसके करंट लगाओ, ठीक है, ये आया वायर और मुंह पे करंट लगा दिया और करंट बंद कर दिया, करंट लगाने के बाद बंद कर दिया, क्या इसके अंदर चार्ज रह जाएगा या निकल जाएगा? जल्दी बताओ। पटाखा रह जाएगा, बिल्कुल सही, रह जाएगा इसके अंदर, यानी कि इस बेचारे के जब करंट लगाएंगे, करंट लगाकर करंट हटा देंगे, एकदम करंट बंद कर देंगे, तो इसमें चार्ज रह जाएगा इसका, यानी कि यही चीज है, द एबिलिटी ऑफ करंट टू चार्ज अ बॉडी, वो एबिलिटी करंट की जो चार्ज कर देती है बॉडी को, वही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ में आई बात? वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो एबिलिटी चार्ज कर जाती है, ठीक है। इसी चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात का होना जरूरी है, देखो जो हमने एग्जाम्पल लिए थे कि ये बॉटल थी, ठीक है, ये एक दूसरी बॉटल थी, इसमें हॉट वाटर था और इसमें कोल्ड वाटर था, इसमें ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, जब तक टेम्परेचर फ्लो होगा जब तक इसका बराबर नहीं होगा। चलो बड़ा करके इसका एग्जाम्पल दोबारा ले लेते हैं। हाँ साहब, रुकी थी, कभी कभी रुक जाती है वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम से कमेंट आ जाती है बफरिंग की, एकदम से। यहां पर बात हुई कि इसमें हॉट वाटर है और इसमें कोल्ड वाटर है, ठीक है, तो इसे हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया था। तो जब तक हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर आपस में मैनेज होता रहेगा, जब तक ये कैसा नहीं होगा, ये बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाएगा इन दोनों का टेम्परेचर, ये दोनों का कैसा होगा, जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, जब तक इसमें करंट फ्लो हो, जब तक इसमें टेम्परेचर फ्लो होता रहेगा, तब तक, मतलब मैं भूल गया, मुझे जो बताना था, इन दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं होगा ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद एक चीज होना और जरूरी है, चलो यही बोतल का फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है और इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, दोनों बराबर बोतल मानो, ठीक है, दोनों बोतल्स बराबर हैं, हमने फिर इसे एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों पानी, दोनों का ट्रांसफर होता रहेगा वाटर का, तो जब तक इनका वाटर लेवल बराबर नहीं होगा ना, जब तक इन दोनों का वाटर लेवल बराबर नहीं होगा, जब तक वाटर फ्लो होता रहेगा, यानी कि कहने का मकसद क्या है, एक में ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए और एक में कम क्वांटिटी होनी चाहिए, एक में ज्यादा और एक में कम, यानी कि इनके अंदर डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये वर्किंग होती रहेगी, तभी ये वर्किंग होगी, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं होगी। अच्छा, वही एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे, किसका, एक इंसान का, जिसमें करंट को लगाया जा रहा था, तो इसके अंदर चार्ज कम है, इसके अंदर करंट ही नहीं था, करंट लगाया जब भी, तो इसके अंदर चार्ज आया, अदरवाइज आता नहीं, अगर इसके अंदर ऑलरेडी करंट होता तो इसके अंदर चार्ज कैसा आता भाई? एक आप फुल बैटरी को दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, 100% जिसकी चार्जिंग होती है मोबाइल की, आप उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे दोबारा चार्ज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर फुल्ली वो क्या है, फील्ड है, उसके अंदर करंट, तो इसलिए डिफरेंस होना जरूरी है। अब यहां पर अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही पर यूनिट चार्ज की कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अभी हमने बताया डिफरेंस होना चाहिए, वही चीज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देखो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, इसके बीच में वो क्या जरूरत है, उसे इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस की जरूरत है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके अंदर चार्ज ज्यादा होने चाहिए और इसके अंदर कम, या इसके अंदर ज्यादा और इसके अंदर कम, तभी इसके अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है, तभी अदरवाइज कोई वर्किंग नहीं होगी।
तो इसी चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। सो आई होप समझ में आयो, मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं समझा सकता, मुझे आगे भी टॉपिक्स कवर करने हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? तो साहब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन के लिए फॉर्मूला W और चार्ज के लिए Q, ठीक है, W अपॉन Q। तो SI यूनिट्स का जो हम इसकी जो SI यूनिट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, वर्क डन की जूल और चार्ज की अभी बताई थी कूलम, ठीक है, चार्ज की क्या है कूलम। ये किसकी है? पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन की, और ये कूलम किसकी है? चार्ज के। देखो जूल पता है, वर्क की यूनिट जूल होती है, कूलम चार्ज की यूनिट पता है आप लोगों को, सिर्फ नई चीज क्या है वोल्ट, वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है। सो कुछ सिंबल्स हैं, यहाँ पे सिंबल्स स्टडी कर लेते हैं जो हमारे पास इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। वो सिंबल्स क्या क्या है? सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, देखो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। जब एक एक साइड से बड़ा यानी कि पॉजिटिव बड़ा होगा और इधर नेगेटिव वाला ये टर्मिनल छोटा होगा, ये टर्मिनल बड़ा है और ये वाला टर्मिनल इसका छोटा है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रिक सेल को डिनोट कर रहा है। फिर दूसरा आता है बैटरी। बैटरी के लिए सिंबल क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, बीच में एक आपका इस तरीके से फाइन डॉट, ये फाइन स्लैश, ये क्या आपका कि बैटरी का सिंबल है, ठीक है। फिर अगर आपका इलेक्ट्रिक स्विच देखना होगा, इलेक्ट्रिक स्विच अगर ऑफ होगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से ऑफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक स्विच अगर ऑन होगा तो यहाँ पर इसके बीच में क्या होगा? डॉट होगा, तब ये इलेक्ट्रिक स्विच यहाँ पर ऑन होगा। अगर डॉट होगा तो ऑन होगा, ऑफ होगा तो इसमें डॉट नहीं होगा, ठीक है। सो ये चार सिंबल इजिली समझ में आते हैं या नहीं आते? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायर जॉइंट, अगर हमें वायर जॉइंट मिलेगा कहीं पे तो उस सर्किट में सिंबल ये वाला बना हुआ होगा कि एक वायर ऐसे जा रहा है, एक वायर ऐसे जा रहा है, उस पर डॉट लगा हुआ है। सो ये वायर जॉइंट का सिंबल है। अगर वायर आपस में क्रॉस करते होंगे, जैसे तार के ऊपर तार जाता है, जैसे ये वाला तार समझ लो इस तरीके से, ये तार है और तार के ऊपर तार निकला हुआ है, ठीक है, ये तार के ऊपर तार गया हुआ, वायर वायर के ऊपर वायर गया हुआ है, तो इस तरीके से वायर क्रॉसिंग का सिंबल यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, वायर क्रॉसिंग का सिंबल है। बल्ब, बल्ब के लिए बेचारा छोटा सा ऐसा सिंबल है, और बल्ब के लिए बल्ब भी बना हुआ हो सकता है इस तरीके से, कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, उसे बेचारे को दिल बना लेते हैं। सो एमीटर, एमीटर के लिए सिंबल ए बना हुआ होगा और सर्किल होगा, ये सिंबल चेंज नहीं होंगे, यही सिंबल रहेंगे, इनके कोई नए सिंबल नहीं आए हैं। वोल्ट मीटर के लिए वी बना होगा, रेसिस्टर के लिए इस तरीके से बना होगा आप लोगों का सिंबल, और रियोस्टेट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके लिए सिंबल इस टाइप से बना होगा, ठीक है। सो चलिए एक क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर, जिसको इनका चार्जेस का मतलब इन सिंबल्स का पिक लेना है, वो मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, मैंने नॉर्मल कर दिया इसे। फिर एक यहां पे यहां से भी ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हाउ मच वर्क इज डन, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ टू कूलम अक्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स का, ठीक है। तो कितना वर्क डन होगा एक चार्ज को मूव करने के लिए टू कॉलम के, ठीक है, अक्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, और उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है कि 12 वोल्ट्स का उनका पोटेंशियल डिफरेंस होना है। ओह यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर आवर स्टूडेंट, थैंक यू शबनम। सो यहां पर देख लीजिए कि चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ टू कॉलम, चार्ज ऑफ टू कॉलम, चार्ज कितना है 2 कूलम का, अक्रॉस टू पोटेंशियल टू पॉइंट्स, अक्रॉस टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट्स का, तो पोटेंशियल पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। हम लोगों को क्या निकालना है, हाउ मच वर्क डन,
हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हुआ है, यानी कि W हम लोगों को निकालना है. सो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. सो ये फॉर्मूला है आप लोगों का, V इज इक्वल टू W अपॉन C. V इज इक्वल टू W अपॉन C था भाई, वो W अपॉन Q, यहां पर Q कर लीजिए, W अपॉन Q, इसे भी Q कर लीजिए. सो यहां पे Q मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो V इंटू क्यू और W एज इट इज रह गया. सो 12 इंटू टू कितना हो गया, 12 जूल्स हो गया. ठीक है, सो एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करा. एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो 2-3 मिनट में हो जाएगा हमारा. ठीक है, सब लोगों को पता था कि बल्ब किसने बनाया था भाई, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था. सबसे पहले ये बताइए जो देर से आए उन लोगों के लिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 में बल्ब का इन्वेंट किया था. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्सप्लोर करा था इलेक्ट्रिसिटी का. तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, यस वी कैन कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी. और हमें यहाँ पर क्या टॉपिक्स पढ़ने थे, ये टॉपिक अभी हमने दो ही कवर करें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर पहला था व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है. तो हमने इसे सॉल्व करके बताया था 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में चीजें बताई आप लोगों को. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन देते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देते हैं. कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर करंट को फ्लो करने की परमिशन देते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मेटल्स सारे हमारे पास. और इंसुलेटर वो होते हैं जो परमिशन नहीं देते, ठीक है, अलाउ नहीं करते उसे. फिर आगे आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज जो आप लोगों ने बताया था. तो इसे अच्छे डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये क्या होता है, ऑर्डर्ड मोशन होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का. ठीक है, सो करंट का हमने फॉर्मूला सीखा यहाँ पर, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू. तो क्यू अपॉन टी हमने यहाँ पर कुछ ऐसा ही यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था. तो ये तो चीज़ नॉर्मल है, छोटे क्लासेस में बता दी जाती है, और 11th क्लास में आप आओगे तो बहुत डिटेल में इसे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को. सो यहाँ पर I 1 एम्पियर, मतलब I के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास एम्पियर है, चार्ज के लिए कूलम और टाइम के लिए सेकेंड्स. ठीक है, सो यहाँ पर एमीटर के बारे में बताया जो करंट को मेजर करता है, क्योंकि एम्पियर्स है तो जो करंट को मेजर करता है वो एमीटर होता है. स्विच के बारे में जानते हैं, बल्ब के बारे में जानते हैं, बैटरी के बारे में भी जानते हैं. सो एक क्लोज कंटिन्यूस पाथ में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सॉरी एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ इलेक्ट्रिक करंट का ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. क्लोज और कंटिन्यूस पाथ ही इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वरना वो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. तो स्विच के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, ये कंडक्टिंग लिंक होती है. देखो लैंग्वेज में लिखना होता, लैंग्वेज नहीं लिख पाते हम लोगों को, ये पता होता है कि स्विच होता क्या, बटन. लेकिन उसे लैंग्वेज में इस टाइप से लिखेंगे, स्विच इज अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द बैटरी एंड द मशीन. सो एमीटर क्या है, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, एमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो कैलकुलेटिंग करता है किसकी, करंट की. सो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल को आप लोग देख लेना. करंट के थ्रू हमने, करंट के फॉर्मूले से, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के फॉर्मूले से हमने एक न्यूमेरिकल कराया, 0.5 × 600 कूलम इसका चार्ज आया हमारे पास. सो आगे थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने बताया एबिलिटी ऑफ करंट टू चार्ज अ बॉडी. किसी भी चीज़ की एबिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ करंट, करंट की एबिलिटी टू चार्ज अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज. यानी चार्ज यानी कि ये क्या है, आप लोगों का एक तरीके से फॉर्मूले का ऐसा यूनिट निकालना है. अगर ऐसा यूनिट निकालनी है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये फॉर्मूला है, देखो यही आ गया, वही चीज़ ये फॉर्मूला है. तो आगे अभी देखते हैं क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर का होना, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस का होना जरूरी है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला स्टडी किया. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q. और यहाँ पर कुछ हमने सिंबल्स स्टडी किए, वोल्ट का हमने देखा,
वर्ल्ड के लिए वी आप लोग डिनोट करते हैं, जूल के लिए जे, कूलम के लिए सी, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा। तो सिंबल क्या हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रिक सेल के लिए, बैटरी के लिए, इलेक्ट्रिक स्विच जब ऑफ हो और जब ऑन हो, तो ये वाला। सो वायर जॉइंट के लिए ये सिंबल था, वायर क्रॉसिंग के लिए ये, बल्ब के लिए ये वाला सिंबल, बल्ब के लिए आप ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं, एमीटर के लिए ये वाला, वोल्ट मीटर के लिए वी आप लोग उसे डिनोट कर देंगे, रेसिस्टर के लिए आप लोग इस तरीके से वायर का क्रॉस सेक्शन बना देंगे, रिहोस्टेट के लिए आप इसमें एक एरो लगा देंगे, ठीक है। आगे है एक न्यूमेरिकल करा था, चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, और डब्ल्यू हमारे पास हमें निकालना था, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू के फॉर्मूले से हमने निकाल लिया इजिली, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 जूल इसका आंसर। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया हो ये चैप्टर, क्योंकि कल को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक ऐसा लॉ है जो एकदम से क्लियर नहीं होता, उसे रटना ही पड़ता है, उसका नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है मुझसे सर कि ये क्या हुआ या वो क्या हुआ, बताइए कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस चैप्टर। एक मिनट कराए हम आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी पूछ लिया। साहिब अली की आईडी से कौन है? जी आई ऑलवेज कैपिटल होगा। ओके सो चलिए खत्म करते हैं यहाँ पर लेक्चर, कभी ज्यादा बड़ा हो जाए। थैंक्स सर, नो सर, ओके थैंक यू। एंड सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैंने कल भी बताया था कि जब आप लोग चले जाते हो, मतलब ये लेक्चर पूरा हो जाता है, इस लेक्चर के अपलोड होने के बाद उसमें थोड़ी बहुत कमेंटिंग कर दिया करो, कमेंट्स मार दिया करो भाई, अपनी तरफ से कुछ बातें बोल दिया करो, कि जिससे थोड़ा बहुत मुझे पता लगे कि हाँ इतने लोगों ने ये चैप्टर देख रखा है। पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं, उनमें जाकर देख लेना, बस एक ही बच्ची कमेंट मारती है आदिवा, और उसकी कमेंट पर चैनल की तरफ से लाइक भी आता है बहुत अच्छा सा, तो उसमें देख लेना, ठीक है। थैंक यू।